चार प्लस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को एक्स माइनस एक से भाग देने पर प्राप्त शेष फल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर पी एक्स जो है हमारा एक्स पावर फोर है, पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर फोर पी, मान लेंगे कि पी एक्स बराबर एक्स की घात चार प्लस एक्स क्यूब माइनस दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है। अब हम भाग देंगे एक्स माइनस एक से, तो इसका शून्यक निकालेंगे, क्या शून्यक, शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको शून्य के बराबर रखते हैं, शेषफल प्रमेय से हम लोग इसका शेषफल ज्ञात करेंगे। तो x माइनस एक जिससे भाग देना है उसको हम लोग शून्य के बराबर रखेंगे, तो x बराबर जीरो धन एक प्लस एक, तो x बराबर क्या आ जाए एक। अब इस x के मान को यहाँ पर रखेंगे तो शेषफल प्रमेय को कहते हैं, शेषफल प्रमेय से इसका शेषफल आ जाएगा। तो देखो x की जगह हम क्या रखेंगे, एक रखेंगे, तो पी एक बराबर x की घात चार मतलब एक की घात चार प्लस एक की घात क्यूब माइनस दो एक का स्क्वायर प्लस एक प्लस एक। जहां जहां x लिखा बच्चों वहां वहां पर x की जगह में हम लोग क्या रख देंगे, एक रख देंगे। तो एक को चार बार गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, एक को तीन बार गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, दो एक को दो बार गुणा करेंगे तो एक ही आएगा, प्लस एक प्लस एक, ठीक है। तो वन प्लस वन, वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू, माइनस दो का गुणा एक से कर देंगे दो एक कम दो, प्लस एक और एक को जोड़ देंगे तो क्या आएगा दो, दो से दो घट जाएगा तो क्या आएगा बच्चों दो। तो इसका जो शेष फल आया है वो क्या आया है, दो आएगा, शेष फल बराबर दो। प्रश्न पंद्रह का अथवा देखिए बच्चों, गुणन खंड ज्ञात करो, एक्स घात तीन मतलब एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। इसको हम बहुत इजी तरीके से बताएंगे बच्चों, इसमें हम लोग इसमें से क्या करेंगे, ये चार टर्म का बना हुआ देखिए, वन टू थ्री फोर टर्म इसे बने हुए हैं और हमको यहाँ पर कॉमन भी मिल रहा है, ठीक है। तो हम सबसे इजी तरीके से इन दोनों से क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स क्यूब और माइनस टू एक्स स्क्वायर से कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन मिलेगा। अब बचेगा हमारे पास यहाँ एक्स और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, माइनस टू बचेगा, और इधर कोई नंबर कॉमन नहीं मिला, देखो एक्स प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू से कोई नंबर कॉमन नहीं मिला, तो हम लोग क्या लेंगे, वन कॉमन लेंगे, क्या लेंगे वन, वन जैसे कॉमन लिए बच्चों तो क्या बचेगा यहाँ, एक्स माइनस टू बन जाएगा। बाहर माइनस होने से अंदर का चिन्ह बदल जाता है, या माइनस कॉमन लेने से जो अंदर का चिन्ह होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए दोनों में x माइनस टू था, x माइनस टू लिख देंगे ब्रैकेट वाला, और एक लिख देंगे बच्चों x स्क्वायर माइनस वन, x स्क्वायर माइनस वन। अब इसमें हम लोग x स्क्वायर माइनस वन में फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यहाँ पर फार्मूला भी लिख देते बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो ये फार्मूला x स्क्वायर माइनस वन में लग जाएगा, तो x माइनस टू और एक बार इसको प्लस में लिख दो और एक बार इसको माइनस में लिख देंगे, तो इस प्रकार से फार्मूला काम कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक का गुणनखंड क्या होगा, एक्स माइनस एक और एक्स प्लस एक को बहुत ही सरल तरीके से गुणनखंड किया गया। हाँ बच्चों प्रश्न क्रमांक 16 देखिए, यूक्लिड के कोई चार अवगृहित लिखिए। तो यूक्लिड के कोई चार अवगृहित निम्न है बच्चों, पहला है देखिए पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, नंबर दो एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, और तीसरा अवगृहित है एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं, और चौथा है यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। क्रमांक 16 का अथवा देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो सबसे पहले बच्चों पहले हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे, कहने मतलब वृत्त की बराबर जीवाएं, ये जीवा है, ये केंद्र हो जाएगा ए बी, ए बी जो है क्या है जीवा है, ठीक है, और एक जीवा और बना देते हैं सी डी, ये सी डी जो है एक जीवा है ये भी, और केंद्र पर बराबर कोण बनाती है, केंद्र मतलब यहां पर कोण ए ओ बी और कोण सी ओ डी हमको बराबर दिखाना है कि बराबर कोण बनता है कि नहीं, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए वृत्त की बराबर, दिया क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है सी ओ आर एक वृत्त है, सी ओ आर का मतलब है कि एक ऐसा वृत्त जिसका केंद्र ओ है और त्रिज्या क्या है आर है, ठीक है। सी ओ आर एक वृत्त है जिसमें जिसमें ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं, ए बी और सी डी दो जीवाएं हैं,
और जीवाएं बराबर है बच्चों, देखो प्रश्न है कि व्रत की बराबर जीवाएं, तो व्रत की बराबर जीवा है तो ये जीवा बराबर भी है, मतलब यदि अपन दिया में लिख सकते ए बी बराबर सी डी। अब सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करता, मतलब कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये केंद्र सेंटर ओ है, यहाँ पर केंद्र ओ है तो ओ में बराबर कोण बन, इसलिए बीच में नाम हमने ओ डाल दिया, ठीक है। तो कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये सिद्ध करना। अब चलिए बच्चों हमने उत्पत्ति याद, उत्पत्ति लिखेंगे, ठीक है। रचना भी लिख सकते हैं ओ ए ओ बी और ओ सी तथा ओ डी को मिलाया, ठीक है ना। तो अब उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति में लिखते हैं हम लोग त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे ओ ए बराबर ओ सी, ये सी ओ क्या है वृत्त की त्रिज्या, ओ ए और ओ सी क्या है सी ओ क्या है वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या लिख दीजिए, वृत्त की त्रिज्या है ये। और ओ बी बराबर ओ डी, ये भी दे देंगे वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब एक देखिए बच्चों ए बी बराबर सी डी, जो जीवा है बराबर दिया गया, ए बी बराबर सी डी, ठीक है, ये वृत्त की जीवा है, ये दिया लिख सकते हो, ठीक। और ये स्टेप आगे पीछे भी हो जाए तो कोई गलत नहीं होता है, ए बी बराबर सी डी आप सबसे ऊपर लिख दीजिए, इनको बाद में लिख दीजिए तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। सिस्टमेटिक ढंग से कोरस्पोंडिंग पार्ट्स में होना चाहिए, इसका ध्यान रखा जाए, संगत भागों में होना चाहिए बस। त्रिभुज एओबी सर्वांगसम है त्रिभुज सीओडी के, कौन से त्रिभुज से नियम से सर्वांगसम हुआ है, भुजा 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 सर्वांगसम था, या बाह्य से कंग्रुएंसी से ये क्या है सर्वांगसम है, भुजा भुजा प्रमेय से सर्वांगसम हो गया। अब कोण एओबी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कोण सीओडी बाय सीपीसीटी लिख लेंगे, या सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अभ्यास, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अभ्यास भी लिख सकते हैं, या कोण एओबी बराबर कोण सीओडी लिख देंगे। और अधिक नहीं बच्चों यहाँ पर यही सिद्ध करना था, या इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था लिख दीजिए, या तो इति सिद्धम। हाँ बच्चों प्रश्न क्रमांक 17 देखो, आर एच एस सर्वांगसमता व ए एस सर्वांगसमता नियम लिखिए। आर्यचस सर्वांग समता नियम क्या है बच्चों, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता होता है। तो ये क्या है देखिए, आर्यचस सर्वांग समता, यानी दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के अलग अलग बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। और एएस सर्वांग समता का मतलब क्या होता है बच्चों, एएस का मतलब होता है कोण कोण भुजा सर्वांग समता। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के योग में बराबर हों और संगत भुजाओं के एक योग में बराबर हो तो एएस सर्वांग समता कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा देखिए, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो एक चित्र बनाएंगे बच्चों, समकोण त्रिभुज एबीसी और नाम लिखेंगे यहाँ पर ए बी और सी, इसको समकोण त्रिभुज बनाएंगे, मतलब ये 90 अंश का सिंबल हो गया है, चित्र चिन्ह 90 अंश बताता है। तो हम लोग दिया क्या लिखेंगे बच्चों, दिया है एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 अंश है, जिसका कोण भी 90 बराबर 90 अंश है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है बच्चों, इसमें कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, सिद्ध करना है कर्ण मतलब एसी, कर्ण एसी सबसे बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा है कर्ण, ठीक है। अब बताओ बच्चों उपपत्ति चलेंगे, उपपत्ति लिखेंगे हम लोग कि देखिए कोण भी 90 अंश है तो कोण ए क्या होगा 45 अंश होगा और कोण सी भी क्या होगा 45 अंश ही होगा, ठीक है ना। तो मतलब कोण भी बड़ा है, कोण भी जब 90 अंश होगा तो क्या लिखेंगे, कोण भी बड़ा है कोण सी से, क्या लिखेंगे, कोण भी बड़ा है कोण सी से, ठीक है, ये श्योर है। यदि एंगल कम भी हो जाएंगे ना
पंक्ति कोण बी जो है बड़ा ही होगा, कोण बी बड़ा है कोण सी से, तो कोण बी के सामने की भुजा कौन है एसी, एसी बड़ा है और ये कोण बी के सामने भुजा आ रही है एसी, और कोण सी के सामने में भुजा आ रही है एबी, एसी बड़ा है एबी से, ठीक है एसी बड़ा का चिन्ह है ये ग्रेटर देन, एसी बड़ा है एबी से, इसको समीकरण को नंबर बनाएंगे। और अब फिर से लिखेंगे कोण बी बड़ा है कोण ए से, तो कोण बी के सामने से भुजा क्या लिखेंगे एसी, तो एसी बड़ा है और कोण ए के सामने भुजा लिखेंगे क्या है, कोण ए के सामने भुजा देखिए क्या है बीसी, तो एसी बड़ा है बीसी से, ये दो नंबर हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे बच्चों हम देख लिखेंगे कि एक व दो से, एक व दो से हम देखते हैं कि, हम देखते हैं कि एसी सबसे बड़ी भुजा है, देखते हैं कि एसी सबसे बड़ी भुजा है, मतलब दोनों में एसी बड़ी है, एसी सबसे बड़ी भुजा है, तो एसी क्या चीज है कण है, इसमें भुजा एसी सबसे बड़ी भुजा है या एसी सबसे बड़ी है ये लिखते हैं, सबसे बड़ी है अतः कर्ण एसी सबसे बड़ी भुजा है, अतः कर्ण एसी सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है कर्ण एसी सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है बच्चों सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है। तो इसमें बोला था कि समकोण त्रिभुज में बताने कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती, तो कर्ण हमने बताया कोण बी जो है 90 अंश होगा, तो कोण बी बड़ा होगा एक बार कोण सी से, तो कोण बी के सामने क्या लिखेंगे एसी बड़ा है एबी से, फिर क्या लिखेंगे भाई कोण बी बड़ा है कोण ए से भी, तो कोण बी के सामने एसी आएगा एसी बड़ा है, कोण ए के सामने कोण भुजा है बीसी, तो बीसी, और हम दोनों में देखेंगे कि एसी बड़ा है एबी से और एसी बड़ा है बीसी से, तो देखते हैं कि एसी जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। हाँ बच्चों प्रश्न क्रमांक 18 देखेंगे, यदि किसी चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 90 अंश 120 अंश व 80 अंश है तो चौथा कोण ज्ञात कीजिए, तो माना चौथा कोण यक्ष है, माना चौथा कोण एक्स अक्ष है, और बच्चों कोण ए बराबर ले लेते 90 अंश, कोण बी बराबर 120 डिग्री और कोण सी बराबर ले लेंगे 80 अंश तथा कोण डी बराबर एक्स अंश माने हैं, तो ये एक्स अंश लिए, और हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल क्या होता है 360 अंश होता है, ये लिखते हैं हम लोग, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 अंश होता है, पर 360 अंश होता है, ठीक। तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर क्या लिखेंगे 360 अंश लिख दिया, अब कोण ए का मान क्या है देखिए 90 अंश 90 लिख दिया, कोण बी का मान कितना 120 अंश 120 लिखा, कोण सी का मान 80 है 80 लिख दिया, अब कोण डी को हमने यक्ष मान लिया तो यक्ष अंश लिख दिया बराबर 360 अंश। अब इसको जोड़ देते हैं 0 8 2 10 9 19 1 2 290 अंश प्लस एक डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 360 अंश, एक्स बराबर 360 अंश माइनस 290, तो एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास 16 में 9 जाएगा तो 7 और ये 70 अंश आ गया, तो चौथा कोण क्या आया बच्चों 70 अंश आ गया, चौथा कोण बराबर 70 अंश ये आंसर हुआ बच्चों। हां प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा देखेंगे बच्चों, सिद्ध कीजिए कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, तो ये क्वेश्चन बच्चों मैं सब 2018-19 के पेपर में बना दिया हूं इसका वीडियो, तो उसे आप इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं इस क्वेश्चन की वीडियो को, ठीक। हाँ बच्चों प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, तो हम लोग बच्चों पहले इसमें एक डायग्राम बनाते हैं, चित्र बनाया हमने देखो ये, और ये वृत्तखंड हो गया एक खंड है, इसका नाम हम लोग ए बी लिखते हैं, वृत्त के एक ही खंड में बने कोण ये हैं, सी नाम दिया यहाँ पर, डी नाम दे दिया, ठीक है, तो ये वृत्त के एक ही खंड के बने कोण है,
आप यहां से हम एक रचना कर देते हैं ऐसे और नाम यहां ओ लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये ओ हो गया। आप क्या करें बच्चों, यहां पर दिया लिखेंगे, दिया है सी ओ आर, एक व्रत है जिसमें कोण ए सी बी और कोण ए डी बी वृत्त के एक ही खंड के बने कोण है। तो बच्चों हमें सिद्ध क्या करना है, रचना लिख देते हैं। रचना OA तथा OB को मिलाया, OA तथा OB को मिलाया। अब उपपत्ति चलेंगे और सिद्ध करना लिखेंगे। बच्चों सिद्ध करना है कोण ACB बराबर कोण ADB, ये अपने को सिद्ध करना कि वृत्त के एक ही खंड के बने कोण बराबर होते हैं। आप उपपत्ति में लिखेंगे कोण AOB बराबर दो कोण ACB, ठीक है। कोण AOB बराबर दो कोण ACB, फिर कोण AOB बराबर दो कोण ADB, दो कोण ADB। रीजन दोनों के लिए एक ही रहेगा। वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। ये कारण बता दिया अचल वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। कोण AOB बराबर दो कोण ACB है और कोण AOB बराबर भी दो कोण ADB है, दोनों बराबर हैं, इसलिए आता है दोनों का मान को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। दो कोण ACB बराबर दो कोण ADB, ठीक है। अब दो दो क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब कोण ACB बराबर क्या हुआ, कोण ADB हुआ। यही सिद्ध करना था इसमें। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 21 देखिए। भुजाओं 50 मीटर 65 मीटर और 65 मीटर वाले त्रिभुजाकार खेत में 7 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसे बच्चों हम लोग पहले चित्र बना लेते हैं। ए बी सी ये 50 मीटर कर देते हैं और इसको 65 मीटर हो गया, ठीक है। ये भी 65 मीटर, इसमें हम लोग हेरोंस फार्मूला यूज करेंगे। क्या हेरोंस? तो ए बराबर 50 मीटर, बी बराबर भी 50 मीटर और सी बराबर भी ए 50 बी 65 65 करेंगे, बी 65 मीटर और सी भी 65 मीटर, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे अर्ध परिमाप एस बराबर, अर्ध परिमाप एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, तो ए हमारे पास 50 है, बी 65 है, प्लस 65 बाई टू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 10 की शून्य हासिल है, 6 6 12 36 18 180 बटे 2 आएगा जोड़ बेटा। तो 180 में 2 का भाग लगा देंगे तो क्या आएगा, 90, तो बराबर आ गया 90 मीटर। ये हमारा क्या आया, यस का मान आ गया। अब हम हेरोंस का फार्मूला यूज करेंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर रूट ओवर एस एस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी, ठीक है। तो यस का मान आएगा 90, फिर 90 माइनस ए, ए कितना दिया 50, फिर 90 माइनस बी का मान है 65, फिर 90 माइनस सी का मान भी 65 है, ठीक है। तो ए बी सी का मान रख देंगे हेरोंस फार्मूला यूज करके, इसको इसका मान निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। आप पहले 90 लिखिए, 90 में 50 जाएंगे तो 40 आएगा, 90 से 65 घटा दीजिए तो
25 हो जाएगा, 10 × 5 = 5 साल, 9 साल, फिर 90 पैसे घटाए 25 आ गया। आप देखो 25 25 का तो जोड़ा बना हुआ है, इसको तो अपने को जोड़ा बनाना होता, वर्गमूल निकालना। अब हम लोग क्या करेंगे, 90 का बनाएंगे, तो 90 का क्या बनेगा देखते हैं, ठीक है। तो 3 × 9 = 18 × 5 = 90, ठीक है। 90 का गुणनखंड निकाल देना, 90 का गुणनखंड आएगा ये आएगा 3 × 9 = 18 × 5 = 90। फिर 40 का भी गुणनखंड निकालना, 2 × 4 = 20, 2 × 4 = 8 = 40, 40 का गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है ना। गुणनखंड 2 × 4 = 8 × 5 = 40। अब 25 को मत करो, 25 के जोड़े बने बनाए हैं तो क्यों इनको इनटू करके फिर से निकालते रहेंगे, ठीक है ना। 25 25 का जोड़ा बना हुआ है। आप देखिए बच्चों, 3 कितने बार आया, 1 2 2 3 है, तो जोड़े लेते हैं वर्गमूल हमेशा, ठीक है। 1 × 3 लिए, 1 2 को गिनो, 1 2 3 4, तो 2 × 2 आएंगे, ठीक है। 5 कितने है? देखो 1 2, तो 1 × 5 आ गया। अब 25 कितने आएंगे, 1 ही 25 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका आपस में क्या कर देंगे हम लोग, गुणा। तो 3 × 6 × 12 = 60 × 25, 60 × 25 में करेंगे तो 25 × 25 = 150, मतलब 1500 वर्ग मीटर आ गया इसका क्षेत्रफल। अब हम लोग इसका दर निकालेंगे, 7 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का व्यय निकाल लेंगे। अब बच्चों 7 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से व्यय लग रहा था, तो 1 वर्ग मीटर का व्यय कितना आया था, 7 रुपये। 1 वर्ग मीटर घास लगाने का व्यय खर्च आया था ₹7, ठीक है। अब हमको 1500 वर्ग मीटर है हमारे पास क्षेत्रफल, तो 1500 का वर्ग मीटर, ठीक है, 1500 वर्ग मीटर घास लगाने पर व्यय आएगा बराबर 1500 × क्या कर देंगे 7, तो 7 × 7 = 7 × 35 = 5 × 3 = 7 × 7 = 10, 10 ये अपना क्या आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10000, 10500 रुपए इसमें व्यय आएगा। हाँ बच्चों, प्रश्न क्रमांक 21 का अथवा देखेंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, एक बराबर भुजा और आधार का अनुपात 3:2 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया बच्चों, इसमें दिया है त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है और त्रिभुज का परिमाप दिया है, पहले दिया लिखेंगे, दिया है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु का मतलब होता जिसकी दो भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 32 सेंटीमीटर दिया है, और एक बराबर भुजा और आधार का अनुपात, एक बराबर भुजा और आधार का अनुपात है 3:2, ठीक, 3:2 दिया है। तो माना बराबर भुजा क्या होगी, 3x और 3x हो जाएगा, ठीक, 3x और 3x, तथा आधार हो जाएगा 2x, आधार 2x। बराबर भुजाओं का अनुपात दिया 3:2, तो मतलब कि बराबर भुजा क्या है, 3 है, तो बराबर भुजा जो होगी वो 3:3 होगी, ये 3x 3x, और आधार दिया है 2x, ये 2x हमने डायग्राम बनाया, तो बराबर भुजाओं में से एक भुजा का अनुपात दिया है मतलब 3x, तो दूसरा भुजा भी 3x ही होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग, ठीक। तो त्रिभुज का परिमाप इसमें दिया है हमारे पास 32 सेंटीमीटर, 32 लिखिए। अब तीन भुजा कौन कौन हो गए, 3x, फिर प्लस 3x, फिर प्लस 2x कर देंगे, ठीक है, तीनों भुजाओं का योग हो गया ये, तो 32 बराबर 3×3 = 6 = 8x हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 32/8, तो 32 में 8 घट जाएगा, काट देंगे 32 से 8 को, तो क्या आएगा 4, x बराबर आ गया बच्चों 4।
तो बच्चों यक्ष बराबर हमारे पास चार आया। अब भुजा जो थी एक भुजा थी तीन यक्ष, तो ए बराबर इसको मान लेते हैं, माना ए बराबर तीन यक्ष, तो तीन गुणे चार कर देंगे तो बराबर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बी बराबर भी तीन यक्ष मानेंगे तो तीन यक्ष बराबर क्या होगा, तीन गुणे चार बराबर 12 सेंटीमीटर, ये भी आ जाएगा। और सी बराबर आ जाएगा दो यक्ष, तो दो गुणे चार कर देंगे तो इस प्रकार से 8 आ गया सेंटीमीटर ये। अब हम लोग निकालेंगे अर्ध परिमाप यक्ष बराबर, से भी पेरीमीटर निकालेंगे। अर्ध परिमाप यस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ठीक है, ये अर्ध परिमाप का सूत्र है। यस बराबर ए बी सी के वैल्यू रखेंगे, 12 प्लस 8 अपान 2, तो यस यस 12 24 36 2 32 बटे 2, तो ये आ गया बच्चों 16। यस का मान आया 16। अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हेरोस फार्मूला लगाएंगे, रूट ओवर एस एस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे यस का और ए बी सी का, जो मान 12 और 8 आया है इसको रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, अंडर रूट लगाएंगे, यस का मान हमारे पास आया है 16 तो 16 रखेगा, फिर 16 माइनस 12, ए का मान 12 है तो 12 लिखेंगे, फिर 16 माइनस 12, फिर 16 माइनस क्या लिखेंगे, सी का मान 8 आया था तो ये 8 लिखेंगे। फिर इस प्रकार से आप 16 लिख दिया, 16 से बच्चों 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, फिर 16 से 12 घटाएंगे तो 4 आएगा, 16 में 8 घटाएंगे तो 8 आ गया, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे, 16 का गुणनखंड देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है, और 4 तो जोड़ा बना बना है, इसका गुणनखंड निकालने की ज्यादा जरूरत नहीं, पर आप यदि निकालना चाहते हैं तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन इसके जोड़े बने हैं इसलिए इसको नहीं निकालता मैं। अब 8 का निकालेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, अब बच्चों जोड़े लेंगे, देखो दो को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ठो 2 है तो 6 ठो 2 का बन जाएगा, एक इसका बन जाएगा, एक इसका बन जाएगा, एक इसका बन जाएगा, 2 × 2 × 2, देखिए इसका एक जोड़ा लिख दिया 2, इसका भी एक जोड़ा 2 लिख दिया, इसका भी एक जोड़ा 2 लिख दिया, अब 4 लिख दिया, 4 का भी जोड़ा बन जा रहा, इस 2 का किनारे वाले 2 का मान लो या एक 2 का जोड़ा नहीं बनता है तो उसको अंडर रूट के अंदर रख देते हैं, ठीक है, 2 रख दिया, तो अब इसे गुणा करिए, तो 4 × 8 × 16 × 32 रूट 2 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी इकाई क्षेत्रफल की हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर जो भी है उसको लिखेंगे, लेकिन वर्ग लिखना जरूरी रहता है, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या है बच्चों, 32√2 वर्ग सेंटीमीटर। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 22 देखिए, गुणनखंड कीजिए, x की पावर क्यूब माइनस 23 x स्क्वायर प्लस 142 x माइनस 120 है, तो इसको बच्चों हम लोग क्या करेंगे, माना लेंगे बहुपद है, इसलिए माना px बराबर x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, हमने इसको क्या मान लिया, px माना। अब अचर पद यहां पर 120 है, अचर पद का 120 का हम लोग क्या निकालेंगे, गुणनखंड लिखेंगे, 120 का गुणनखंड मतलब 120 किस किस के पहाड़ा में आता है, क्या किसके किसके पहाड़ा में 120 आता है, तो प्लस और माइनस से लिखेंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस आएगा। हाँ बच्चों, तो गुणनखंड हमने बना रहे थे कि 120 का जो गुणनखंड आया था, देखिए प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 फिर प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 और प्लस माइनस 8 आएगा, यानी किसके किसके पहाड़ा में 120 आता है वो सब उसके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड कहलाएंगे। तो प्लस माइनस 10 लिख देंगे, प्लस माइनस 12 भी आएगा, प्लस माइनस 15 और प्लस माइनस 20 हो जाएगा, प्लस माइनस 30 प्लस माइनस 40 होगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 40 के बाद अपन आ जाएंगे 60 में और प्लस माइनस 120, ये इस प्रकार से कुछ इसके गुणनखंड हो गए। अब बच्चे इनमें से कोई भी नंबर हम इसमें रखेंगे px में, यदि 0 आएगा तो वह उसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड होगा, वेक्टर कहलाएगा। तो हम सबसे पहले x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, x बराबर 1 px में, px बराबर हमारे पास क्या है, देखो x क्यूब माइनस 23 x स्क्वायर प्लस 142 x माइनस 120, इसमें हम x बराबर 1 रखेंगे तो देखिए p 1 आया, 1 का क्यूब माइनस 23 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 142 गुणे 1 माइनस 120, तो ये बराबर 1 आएगा,
एक आया, माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। अब यहां पर देखिए जोड़ेंगे इसको, 120 और 23 जो है ऋणात्मक है, इनको जोड़ लीजिए, 142 और 1 को जोड़ देंगे, कैसे भी करेंगे बच्चों, 1 प्लस 142 माइनस 23 माइनस 120, ये आ गया हमारे पास 143 माइनस 143 बराबर क्या आ गया, शून्य। तो x बराबर 1 रखने से क्या हुआ, शून्य हो गया बहुपद का मान। तो इसलिए x बराबर जब 1 रखे हैं, धनात्मक रखे हैं, तो इसका x माइनस 1 दिए हुए बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड होगा। क्या समझे, यदि जिसको जैसे 1 रखने से यदि समान 0 आएगा तो x माइनस 1 दिए हुए बहुपद का गुणनखंड होगा, और यदि ऋण रखने से शून्य आता तो x प्लस 1 दिए हुए बहुपद का गुणनखंड होता, ठीक है। तो हमारे प्रश्न में क्या है, इस क्वेश्चन में x बराबर 1 रखने से 0 हुआ है, इसलिए x माइनस 1 दिए हुए बहुपद का गुणनखंड होगा। हाँ बच्चों, तो x बराबर 1 रखने पर दिए हुए बहुपद का मान क्या आया था, 0 आया था, मतलब x बराबर 1 दिए हुए बहुपद का क्या है, गुणनखंड है। अब x बराबर 1 रखने से 0 हुआ तो लिखेंगे हम लोग x माइनस 1 दिए हुए बहुपद का गुणनखंड है, दिए हुए बहुपद का गुणनखंड है, ठीक बच्चों। अब x माइनस 1 का इस बहुपद में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, x माइनस 1 का हमको भाग लगाना है, x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142 या माइनस 120, x माइनस 1 का इसमें भाग लगाना है हमको। देखो बच्चों x क्यूब चाहिए, सबसे शुरू में x क्यूब है, अब पहाड़ा पढ़ेंगे टेबल पढ़ेंगे x का, ठीक है। हाँ बच्चों, x माइनस 1 का डिवाइड हम लोग x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 में करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, x माइनस 1 से। तो देखिए भाई, सबसे शुरू में x क्यूब लिखा है और यहाँ पर हम x से मतलब मल्टीप्लाई करना, तो x क्यूब लाने के लिए x में क्या मल्टीप्लाई करें, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आएगा, x क्यूब आएगा, तो x स्क्वायर को मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x क्यूब होगा, फिर x स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस 1 से भी हम करेंगे तो माइनस x स्क्वायर आया, फिर लाइन खींचते हैं और ये साइन को बदलते हैं, यहाँ प्लस रहता है तो माइनस करते हैं, यहाँ माइनस रहता तो यहाँ पर प्लस करते हैं, और ये x क्यूब कैंसिल हो जाता है। अब ऊपर माइनस 23 x स्क्वायर है और नीचे प्लस का x स्क्वायर है, तो माइनस 23 से प्लस 1 x स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस 22 x स्क्वायर आएगा, ठीक, और प्लस 142 x यहां पर लिखेंगे, माइनस 120, ठीक। अब यहाँ माइनस 22 x स्क्वायर चाहिए तो कितने का इंटू करना पड़ेगा, अब यहाँ पर माइनस 22 x का मल्टीप्लाई हमको x से करना होगा, तो माइनस 22 का x का जब मल्टीप्लाई हम x माइनस 1 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 22 x स्क्वायर और प्लस 22 x आएगा यहाँ पर, फिर लाइन खींच के फिर साइन को चेंज कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 142 x से माइनस 22 x करेंगे, बड़े नंबर का साइन लगाएंगे प्लस का, तो 2 से 2 जाएगा 0, 4 में 2 माइनस करेंगे 2 और 1 122 x माइनस 120 आया। अब हमको प्लस 122 x चाहिए तो प्लस 120 से जाएंगे हम लोग, अब तो प्लस 122 का इंटू इससे करेंगे x माइनस 1 से, तो 120 x आया और 120 का इंटू माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 120 आएगा अपॉन, और ये लाइन खींचेंगे तो साइन चेंज कर देंगे हम, माइनस से तो प्लस कर दिया, ये कैंसिल होगा बच्चों, अब क्या बचा, 0। अब यहां पर हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो यहां पर लगाते हैं, देखिए x माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 22 x प्लस 120। अब ऐसे कोई दो नंबर से 22 बनाए या 22 बनाए इंटू करें तो क्या आना चाहिए, 120 आना चाहिए, तो कैसे बनेगा, ये बनेगा नंबर माइनस 12 x और माइनस 10 x से, ठीक है, माइनस 12 x और माइनस 10 x को जब प्लस करते हैं तो माइनस 22 आएगा, और जब इन दोनों को इंटू कर देंगे तो प्लस 120 आएगा, तो ये प्लस 120 लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लिए तो x माइनस 12, फिर माइनस 10 यहाँ से कॉमन लिए तो x माइनस 12 हुआ, तो इस प्रकार से x माइनस 1 और दोनों ब्रैकेट में एक आंसर लिखेंगे x माइनस 12 को, ठीक है, दोनों में से दो आंसर आया x माइनस 12 उसको एक लिखेंगे, या कहने का मतलब मेरा कि x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे और एक बचा है हमारे पास x माइनस 10 बचा उसको, ठीक, ये इसका आंसर हुआ। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 का अथवा देखेंगे, हर का परिमेयकरण कीजिए, और क्वेश्चन है हमारा 1/√5 + √2,
तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 1/√5 + √2, परिमेयीकरण का मतलब ये होता है जो साइन जैसे नीचे प्लस का है तो माइनस वाले के नंबर से इंटू करते हैं, ठीक है ना। तो √5 - √2 का इंटू हम लोग नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, अंश व हर में हम दोनों में √5 - √2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये √5 - √2 का जो मल्टीप्लाई करते हैं गुणा करते हैं तो √5 - √2 आता है। अब देखिए यहाँ पर a+b और a-b जब इसका प्रोडक्ट करेंगे तो a² - b² होगा। इस प्रकार से हम लोग √5 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये आएगा हमारा √5 - √2/√5 को जब दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा और √2 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आया, ठीक है। √2 * √2 बराबर क्या होता है 2, तो √5 - √2/ क्या होगा 5 - 2 कर देंगे तो 3 आएगा। हाँ बच्चों प्रश्न क्रमांक 23 देखेंगे। चित्र में रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POR अनुपात कोण ROQ बराबर 5:7 है तो सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। चित्र बना हुआ बच्चों देखो, तो सबसे पहले हम लोग माना कोण POR बराबर 5x डिग्री लिखेंगे, ठीक है, और कोण QOR बराबर क्या लिखेंगे 7x डिग्री, ठीक है। अब देखो बच्चों चित्र में POR और QOR मतलब POR ये हो गया और QOR ये हो गया, ये दोनों रेखीय योग बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? रेखीय योग। तो POR कोण POR धन कोण QOR बराबर क्या लिखेंगे 180 अंश लिखेंगे और इसका रीजन हम लोग लिख देंगे रेखीय योग से, ठीक है। डायग्राम को फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। देखिए कोण POR मतलब ये कोण और कोण QOR मतलब ये कोण और एक रेखा क्या है PQ रेखा है, तो PQ रेखा पर ये जो है कोण बने हैं कौन POR और QOR। तो इस प्रकार से दोनों क्या बनाएंगे रेखीय युग्म बनाएंगे। तो 5x लिखेंगे हम यहाँ पर प्लस 7x बराबर 180, तो 7 5 जोड़ देते हैं 12x बराबर 180 डिग्री आएगा, तो x बराबर आ गया 180/12। अब 12 से 180 को भाग लगा के काट देते 12 कम 12 6 12 5 60, x बराबर 15 अंश आया। तो हम लोग क्या करेंगे कोण POR पहले निकालेंगे, तो कोण POR बराबर कितना था 5x, तो x का मान कितना आया है 15, तो x की जगह में हम लोग 15 रखे 5 × 15 = 75 अंश आ गया क्या कोण POR। अब बच्चे हम लोग क्या निकालेंगे कोण QOR, तो कोण QOR बराबर क्या है 7x, तो बराबर 7 × 15 = 105 अंश हुआ, ठीक है, 15 × 7 = 105। अब देखिए बच्चों कोण POR जो कोण POR है क्या कोण POR बराबर क्या होगा कोण POR बराबर कोण QOS भी होगा, क्या होगा कोण QOS होगा बराबर क्या होगा 75 अंश। देखिए कोण POR का मान 75 अंश आया है तो कोण QOS का मान भी 75 अंश आएगा, किस वजह से आएगा शीर्षाभिमुख कोण है ये, क्या है POR और कोण QOS दोनों क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, और जो कोण ROQ आया है QOR आया है मतलब कोण QOR जो आया है जिसका मान वही क्या होगा कोण POS का भी मान वही होगा, कोण POS लिख दीजिए बराबर क्या लिख देंगे 105 अंश, और रीजन दोनों के लिए लिख देते हैं बच्चों किस वजह से हो रहा है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख ये कोण है, ठीक है। तो क्या बताया आपको कि कोण POR जो कोण POR है वही कोण QOS भी है शीर्षाभिमुख कोण से मतलब 75 अंश आएगा, और जो कोण POS है वही कोण QOR भी है या जो कोण QOR है वही कोण POS है बराबर 105 डिग्री। इस प्रकार से हमने चारों कोणों को निकाल दिया बच्चों, यही इसका आंसर हुआ। हाँ बच्चों अब प्रश्न क्रमांक 23 का अथवा देखेंगे। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण सामने के दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, सिद्ध कीजिए। इसी को बच्चों हम लोग बहिष्कोण प्रमेय भी कहते हैं, ये बहिष्कोण प्रमेय ही है। तो इस प्रकार से हमें बहिष्कोण प्रमेय को सिद्ध करना है तो पहले हम लोग एक चित्र बनाते हैं, देखिए ये डायग्राम बनाते हैं। ये ABC एक त्रिभुज है, ठीक ABC एक त्रिभुज है,
भुजा बीसी को बढ़ाया गया कहां तक? डी तक। भुजा बीसी को लिखा ना, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाई जाए, मतलब भुजा बीसी को हमने डी तक बढ़ाया, इस प्रकार बना जो बहिष्कोण है, जो बहिष्कोण बना ना, ये बहिष्कोण दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर हो। कौन दोनों अंतःकोण? इसके इसके, मतलब मैं इसको कोण एक बना दूं, इसको कोण दो बना दूं, तो कोण तीन बना दूं इसको, तो ये कोण तीन बराबर कोण एक धन कोण दो होगा, यही बहिष्कोण प्रमेय है। ठीक है, तो हम लोग इसको बच्चों लिखेंगे, माना ये दिया है, लिख लेते हैं, चलिए दिया है एबीसी एक त्रिभुज है। क्या लिखे बच्चों? एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक, जिसमें भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया है, जिसमें भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो अब सिद्ध करना है कि कोण ए सी डी बराबर कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी। ठीक है, मतलब बी ए सी का मतलब यह हुआ कि कोण एक, और कोण ए बी सी का मतलब यह कोण दो। इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते, देखिए कोण ए सी डी की जगह में कोण तीन है, या करके ऐसा भी सिद्ध कर, कोण तीन बराबर कोण एक धन कोण दो, ये हमको सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग उपपत्ति में, उपपत्ति करेंगे। उपपत्ति में हम लोग लिखेंगे कोण तीन बना दिया, कोण एक धन कोण, यहां पर हम लोग कोण चार बना देते हैं। क्या बना देते हैं? कोण चार। अब देखिए क्या लिखेंगे, कोण एक धन कोण दो धन कोण चार बराबर 180 अंश लिखेंगे। कोण एक धन कोण दो धन कोण चार बराबर 180 अंश, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसका रीजन क्या लिखेंगे बच्चों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। ठीक, इसका ये रीजन हो गया। अब हम इसके लिए लिखेंगे कोण तीन धन कोण चार बराबर 180 अंश लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसका रीजन लिखेंगे रेखीय युग्म से। ठीक है, इसको एक नंबर दे देते हैं, और कोण तीन धन कोण चार बराबर लिख देते हैं बच्चों 180 अंश, इसका कारण लिख देते हैं रेखीय युग्म से। ठीक है, ये बन गए हमारा कोण तीन धन कोण चार 180 अंश रेखीय युग्म से। अब क्या करेंगे बच्चों? एक व दो, दोनों देखिए 180 अंश के बराबर है, एक नंबर भी 180 के बराबर और दो नंबर समीकरण भी 180 बराबर, इसलिए अब लिखेंगे एक व दो से 180 को नहीं लिखेंगे हम, कोण एक धन कोण क्यों बराबर है दोनों, इसलिए 180 को नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? कोण एक धन कोण दो धन कोण चार बराबर कोण तीन धन कोण चार। अब पक्षांतर करेंगे बच्चों, तो कोण एक धन कोण दो और कोण चार को इधर ले जाते हैं, कोण तीन धन कोण चार, ये धन का कोण चार है, इधर पक्षांतर होगा तो माइनस कोण चार हो जाएगा, और कोण चार प्लस माइनस क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो कोण एक धन कोण दो बराबर क्या आएगा? कोण तीन आ गया। ठीक, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी डी। ठीक है, यही सिद्ध करना था बच्चों कि कोण एक धन कोण दो बराबर कोण तीन बहिष्कोण प्रमेय यही है, कि कोण बी ए सी धन कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी डी, यही सिद्ध करना था। अब बच्चों हम प्रश्न क्रमांक 24 करेंगे। प्रश्न क्रमांक 24 है, गुणनखंड कीजिए 27y³ + 125z³। तो बच्चों हम 27y³ को क्या लिख सकते हैं? 27 किससे गुणनखंड होगा? देखो 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आएगा ना, तो 3y का होल क्यूब करेंगे। देखो 3y को 3 बार इंटू करेंगे, 3 × 3 × 3 तो क्या आएगा? 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, मतलब 3 × 9 = 27y³। और 125 को हम 5z का होल क्यूब कर दें, मतलब हम 5z को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 125z क्यों आएगा। अब हम इसे फार्मूला लगाएंगे बच्चों, a प्लस b होल क्यू इक्वल टू नहीं, a प्लस b का a क्यू प्लस b क्यू का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। a क्यू प्लस b क्यू बराबर क्या होगा? a प्लस b ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला यूज करते हैं। a बराबर यहां पर क्या रहेगा? 3y रहेगा और b बराबर रहेगा 5z। ठीक है, तो चलिए फार्मूला हम रखते हैं, तो 3y का होल क्यूब प्लस 5z होल क्यूब बराबर
3y प्लस 5z फिर ब्रैकेट में 3y होल स्क्वायर माइनस 3y इनटू 5z प्लस 5z होल स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये फार्मूला में हमने रखा। अब देखो 3y को 3 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 27y क्यों आएगा, और 5z को जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो 125z क्यों आया, बराबर 3y धन 5z। और 3y को 2 बार गुणा करेंगे बच्चों, 3y गुणा 3y तो क्या आ जाएगा, 9y स्क्वायर आएगा माइनस 3y गुणे 5z जब करेंगे तो क्या आएगा, 15y z प्लस 5z को 2 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 25z स्क्वायर आया। यही इसका आंसर हुआ बच्चों। आप प्रश्न क्रमांक 24 का अथवा देखो बच्चों, प्रसार कीजिए 3x/2+1 का होल क्यूब। ठीक है, तो इसको प्रसार में हम लोग क्या करेंगे, मुझे a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ये फार्मूला है a प्लस b का होल क्यूब का। और a की जगह हम रखेंगे 3x/2 और b की जगह हम रखेंगे 1 मतलब a। चलिए रखते हैं, जहां जहां a है वहां वहां 3x/2 रखिएगा, जहां जहां b है वहां वहां 1 रखेंगे। ठीक है, तो 3x/2+1 होल क्यूब इक्वल टू, पहले स्टेप में बच्चों ब्रैकेट लगा के ही पावर तो रखेंगे। ठीक है, जैसे a क्यूब है तो पहले ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, कोष्टक जरूर लगाएंगे, 3x/2 का होल क्यूब और प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 × 3x/2 × 1 ब्रैकेट में 3x/2+1। ठीक है, पावर जब भी मिलेगा ब्रैकेट आपको लगाना है फर्स्ट स्टेप में। अब क्या करेंगे, पावर को खोल देंगे, 3 को 3 बार इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 27, और जब x को 3 बार इंटू करेंगे तो क्या आएगा, x क्यूब, और 2 को 3 बार इंटू करेंगे तो 2 × 4 = 8 आया, माने 27x³/8 आया, प्लस 1 को 3 बार इंटू करेंगे तो 1 आएगा, और 3 × 9 = 9x/2 और ब्रैकेट में 3x/2+1 हुआ। अब इसका इधर इंटू करेंगे, ठीक है, चलिए 27x³/1+9x/2 अब हम इससे करेंगे 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 9x/2 ही आएगा। इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 27x³/8+1+27x²/4+9x/2। लेकिन इसको हम सोचते ऑर्डर में लिखे बच्चों, जैसे सबसे पहले x क्यूब वाले को लिखेंगे 27x³/8, फिर स्क्वायर वाले को लिखिए 27x²/4+9x/2 लिखिए, और प्लस 1 को नंबर को किनारे कर। देखिए ये ऑर्डर में हो गया, पावर x क्यूब है, 3x² है, 3x है, फिर कोई नंबर है। ठीक है, तो ऑर्डर में रखना अच्छा रहता है। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 25 देखेंगे, आकृति कोण में कोण एबीसी, आकृति में कोण एबीसी बराबर 69 डिग्री और कोण एसी भी बराबर 31 डिग्री हो तो कोण बीडीसी ज्ञात कीजिए। चित्र बना हुआ बच्चों, अब इसी प्रश्न का अथवा देखेंगे, सिद्ध कीजिए कि सर्वांशम वृत्तों की बराबर जीवाएं के इनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन जो है सन 2018-19 के अर्धवार्षिक परीक्षा में हमने इसका वीडियो बना दिया है, ये क्वेश्चन 18-19 में आ चुके हैं, इन दोनों के सलूशन आपको 2018-19 के अर्धवार्षिक परीक्षा के वीडियो में मतलब इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वहां से आप जाके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे, तो वहां से जाके आप देख लेंगे। हाँ बच्चों, प्रश्न क्रमांक 26 देखिए, एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर हैं, इनकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं, इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों समलंब आकार का खेत बनाते हैं, ये और इसको ऐसे त्रिभुज बना देंगे, यहां पर नाम हम लोग लिख देते हैं ए बी सी फिर डी और ई। ठीक है, ए तो ए ई बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, 10 मीटर, क्या लिखेंगे 10 मीटर लिख दिया, और ये पूरा डिस्टेंस जो है कितना मीटर है, 25 मीटर है, क्या है 25 मीटर। ठीक है, 25 मीटर डाल दिया। अब देखिए जब ए ई 10 मीटर है तो ए डी सी भी 10 मीटर होगा, और जब बचा क्या बी सी, बी सी कितना हो जाएगा, 25 से 10 को माइनस कर देंगे तो कितना मीटर आ जाएगा, 15 मीटर बी सी आ गया, और असमांतर भुजा हमारी एडी और एबी है, असमांतर भुजा क्या क्या है, एडी और एबी, असमांतर भुजा दी गई है 14 मीटर और यहां पर क्या हो जाएगा 13 मीटर।
अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, देखो जब एडी 14 मीटर है तो एसी भी 14 मीटर होगी, क्योंकि ये दोनों आमने सामने की भुजा कहला जाएगी, ठीक है ना। तो ये 14 मीटर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इसको थोड़ा डिटेल से लिखते हैं। देखिए एई बराबर लिख दीजिए बच्चों 10 मीटर और डीसी बराबर कितना है 25 मीटर, बीडी लिखेंगे, क्या लिखेंगे डीबी बराबर 25 मीटर। अब हमको डीसी चाहिए तो डीसी बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्या कर देंगे, चलिए ऐसा कर लेते हैं, डीबी 25 मीटर आया ना। अब क्या करेंगे एई बराबर सीडी हो जाएगा, दोनों बराबर है, देखिए एई भी 10 मीटर है तो सीडी भी क्या होगा 10 मीटर हो जाएगा। अब बचा बीसी, तो बीसी कैसे निकालेंगे बच्चों, बीसी निकालने का सबसे सरल तरीका है कि बीडी से डीसी को माइनस कर दें, बीडी माइनस डीसी। तो बीडी हमारे पास क्या था, बीडी हमारे पास था 25 मीटर और डीसी हमारे पास क्या था 10 मीटर, तो 10 को माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा, बीसी आ जाएगा 15 मीटर, ठीक। और असमांतर भुजा क्या दी गई थी, देखिए डीई बराबर दी गई थी 14 मीटर, तो एई एसी भी जो है 14 मीटर ही कहलाएगा, एसी 14 मीटर हो जाएगा। और एक असमांतर भुजा दी गई बच्चों एबी बराबर 13 मीटर। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हेरोंस फार्मूला लगा के इसका एरिया निकालेंगे। आज बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी का निकालते हैं क्षेत्रफल हेरोंस फार्मूला से, ठीक है क्या। और यहाँ पर एक रचना भी कर ले बच्चों, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दे ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। और यहाँ पर हम नाम क्या लिख दें, यफ, ठीक, क्या नाम लिख दिया यफ, और ये 15 मीटर है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी में हेरोंस फार्मूला यूज करेंगे। तो ए बराबर ले लेते हैं 14 मीटर, ठीक, बी बराबर ले लेते हैं 13 मीटर और सी बराबर ले लेते हैं 15 मीटर, ठीक है ना। अब अर्ध परिमाप यफ निकालते हैं, क्या निकालते हैं अर्ध परिमाप यस। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों ये क्वेश्चन, अर्ध परिमाप यस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। तो ए की वैल्यू हमारे पास 14, बी की वैल्यू हमारे पास 13 और सी की वैल्यू 15। इसको आप किसी को भी ए मान सकते हो, ए आ रहा हो 13 भी मान सकते हो, बी 14 और सी 15, कुछ भी आप इसको मान सकते हो, सेम आंसर आएगा। बाई टू करिए और 5 3 8 4 12 1 2 3 4 42 बटे 2 आया, इसको काट दीजिए बच्चों, 21 बराबर 21 मीटर आ गया क्या हमारा यस। अब हम लोग त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हेरोंस फार्मूला से यूज करेंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक। तो अब अपना यस क्या आया था, ये 21 आया ना, तो 21 फिर 21 माइनस ए की वैल्यू क्या है बच्चों, हमने माना है 14, तो ए की जगह 14 रखेंगे। फिर यस माइनस बी है, देखो यस की वैल्यू कितनी थी 21 और बी की वैल्यू थी हमारे पास 13, ये रखेंगे। फिर यस माइनस सी है, तो यस की वैल्यू क्या रखेंगे 21 और सी की वैल्यू क्या रखेंगे 15, ठीक है। इस प्रकार से हमने वैल्यू देख देख के यहां से रख दिया। अब क्या करेंगे, अंडर रूट लगाए 21 लिखे, 21 से 14 घटा दीजिए बच्चों तो क्या आएगा 7, फिर 21 से 13 घटा दीजिए तो क्या आएगा 8, फिर 21 से 15 घटा दीजिए तो क्या आएगा 6, ठीक। अब क्या करेंगे, इनके गुणनखंड करेंगे। 21 के गुणनखंड क्या होगा 3 × 7 फिर 7 × 8। अब 8 का गुणनखंड जब निकालेंगे बच्चों तो 2 × 4 × 8 आया, 6 का निकालेंगे तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जोड़े लेंगे, क्या लेंगे जोड़े, जोड़े का मतलब समझ रहे हैं, 2 का 1 लेना है, ठीक है। तो 3 देखिए कितने हैं 2, तो 1 3 ले लीजिए, 7 कितने हैं 2, तो 1 7 ले लीजिए। अब 2 कितने देखिए बच्चे, 1 2 3 4 4 का जोड़े बन जाएंगे, 2 2 के जोड़े बन जाएंगे, 2 2 आएंगे, 2 × 2। अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 2 × 4 = 12 = 87 वर्ग मीटर। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है बच्चों, त्रिभुज 84 वर्ग मीटर आया। अब बच्चों त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया 84 वर्ग मीटर। अब हम लोग त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला है, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होता है ना सूत्र, आधार गुणे ऊंचाई हुआ, ठीक है ना।
त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल में हम लोग 84 लिख देंगे, निकाल चुके 84 बराबर 1/2। बच्चों देखिए 84 गुणे 1/2 गुणे 15 गुणे ऊंचाई है, तो 2 से 15 नहीं कटता, ठीक है। जब नहीं कटता तो क्या करेंगे, 2 को 3 गुणा 84 के साथ कर देते हैं, तो 84 गुणे 2 हो जाएगा बराबर 15 गुणे ऊंचाई। 15 गुणे 1 में करेंगे तो क्या आएगा, 15 ही आएगा, तो 15 गुणे ऊंचाई लिख देंगे बच्चों। आप क्या करिए, 84 गुणे 2 बटे 15 कर देते हैं और गुणे क्या कर देंगे, ऊंचाई बचेगा, ठीक है। 84 गुणे 2 बटे 15, अब 3 से इसको काट देते हैं, देखिए 3 5 15 और 3 से इसको काट देंगे तो 28 आया, 28 का 2 में गुणा कर देंगे कितना आएगा, 56 बटे 5 बराबर क्या आएगा, ऊंचाई आ गया। ऊंचाई क्या आएगा, 56 बटे 5। इसको मत काटिएगा, दशमलव मिलाने की जरूरत नहीं है, ये बाद में कट जाएगा। अब बच्चों अब ऊंचाई आ गई 56/5 मीटर। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसका सूत्र होता है बच्चों 1/2 गुणे दोनों समांतर भुजाओं का योग, दोनों समांतर भुजाओं का योग का योग, ठीक है, दोनों समांतर भुजाओं का योग और गुणे ऊंचाई, क्या ऊंचाई। ये फार्मूला है समलंब चतुर्भुज का, क्या है समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल का फार्मूला, 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। तो 1/2 तो हमने लिखा, अब दोनों समांतर भुजा कौन होगी, एक 10 मीटर है और एक 25 मीटर है, क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना दिया था, 25 मीटर था ये, ठीक है। तो एक है 10 मीटर और एक है 25, दोनों समांतर भुजा, तो 10 × 25 लिख दीजिए, ठीक। अब गुणे ऊंचाई, बच्चों ऊंचाई हमने निकाला है 56/5, ऊंचाई की जगह में 56/5 रखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 1/2 25 10 क्या हो जाएगा 35 गुणे 56/ क्या होगा 5, 5 से 35 काटेंगे बच्चों, 5 × 7 = 35 हुआ, और 2 से 56 को काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 28 आया। अब हमारे पास 7 × 28 बचा, तो 7 × 28 गुणा करें 7 × 56 6 × 5 = 7 × 14 = 5 = 19, 196 वर्ग मीटर आया बच्चों, यह इसका क्या हुआ आंसर हुआ। वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे या सबसे पहले आपको मिले। हाँ बच्चों, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।